मुंबई जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस के पार्सल डिब्बे में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन पर शनिवार सुबह मुंबई जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस के पार्सल डिब्बे में आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि शालीमार पश्चिम बंगाल और मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन के बीच चलने वाली ट्रेन के इंजन की अगली बोगी पार्सल वैन में आग लगी थी। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने कहा कि आग लगने की यह घटना सुबह करीब 8:45 पर हुई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि आग बुझा दी गई है और नासिक रोड स्टेशन बोगियों से अलग किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त मौके पर अफरा तफरी मच गई थी, हालांकि जल्द ही लोगों को शांत करा लिया गया। वहीं उत्तरी दिल्ली के नरेला में शनिवार सुबह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सुबह 7:56 पर आग लगने की सूचना मिली है और दमकल की 12 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। उन्होंने कहा कि आग पर काबू करने के प्रयास जारी हैं और अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के ईंधन टैंकर में आग लगने की घटना में 5 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। खरगोन से करीब 125 किलोमीटर दूर जिले के गाँव के पास 26 अक्टूबर को ईंधन टैंकर पलटने के बाद उसमें आग लग गई थी, जिससे एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अगले दिन अस्पताल में एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। जब लोग पलटे हुए वाहन से ईंधन एकत्र कर रहे थे तब उसमें विस्फोट हो गया।